बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। विश्वकर्मा जयंती हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। चारों युगों में विश्वकर्मा जी ने अनेक नगरों और भवनों का निर्माण किया। सबसे पहले सतयुग में स्वर्ग लोक का निर्माण किया, त्रेता युग में लंका का, द्वापर में द्वारिका का और हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ सुदामा नगरी का। देवताओं के लिए कई अस्त्रों और शस्त्रों का निर्माण भी विश्वकर्मा भगवान ने ही किया। विश्वकर्मा भगवान सृष्टि के प्रथम शिल्पकार माने जाते हैं। विश्वकर्मा जयंती के दिन इनका पूजन किया जाता है और काम काज में आने वाले औजारों और यंत्रों का भी पूजन किया जाता है। इनके आशीर्वाद से व्यापार में वृद्धि होती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। आइए विश्वकर्मा भगवान की कथा का वर्णन करते हैं। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। जो शिल्प कला के पूर्वज जग में माने जाते हैं, हाँ हाँ माने जाते हैं, हम विश्वकर्मा भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हम विश्वकर्मा जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, हाँ हाँ शीश झुकाते हैं, हम विश्वकर्मा भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। सृष्टि प्रारंभ काल में थी, उसी समय में प्रकट हुए भगवान विष्णु जी। शेष शैया पर विष्णु जी शीर सागर के अंदर, विष्णु जी की नाभि से निकला था एक कमल। इसी कमल से चार मुख वाले प्रकटे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का एक पुत्र था, नाम था वास्तुदेव जी। अंगिरसी नामक पत्नी वास्तुदेव की थी, जन्म इन्हीं से पाए थे ऋषि विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा ऋषि वर के आओ महिमा गाते हैं, हाँ हाँ महिमा गाते हैं, हम विश्वकर्मा भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। संक्रांति को इनका जन्म दिवस है आता, धूमधाम से सारा ही जग इस दिन को है मनाता। श्रद्धा भाव से विश्वकर्मा को पूजता है संसार, इनकी पूजा करने से बढ़ता है धन व्यापार। प्रथम शिल्पकार है सृष्टि के विश्वकर्मा भगवान, इनके जैसा कोई नहीं है शिल्पकार महान। देवताओं के लिए अनेकों भवन बनाए हैं, अस्त्र शस्त्र भी देवों के लिए इन्होंने बनाए हैं। ऐसे रचनाकार को सारे शीश झुकाते हैं, हाँ हाँ शीश झुकाते हैं, हम विश्वकर्मा भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
रचने की खातिर ब्रह्मा जी हुए तैयार। विश्वकर्मा ने इसमें उठाया उनका आधा भार। सबसे पहले मानचित्र को किया गया तैयार। सृष्टि को रचने में लगे वर्ष भी कई हजार। ब्रह्मा जिनका विश्वकर्मा ने हाथ बटाया था, स्वर्ग लोक यम लोक भी अपने हाथों से बनाया था। तहर युग में भगतों बनी है जितनी भी राजधानी, विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया सबने ही मानी। ऐसे शिल्पकार को हम शीश नवाते हैं, हम सब शीश नवाते हैं। हम विश्वकर्मा भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। विश्वकर्मा ने विष्णु जी का सुदर्शन चक्र रचाया, शिव के त्रिशूल को भी इन्होंने अपने द्वारा बनाया। कृष्ण की द्वारका नगरी इनके हाथों से गई बनाई। इंद्रप्रस्थ नगरी पांडवों की इन्होंने ही थी बनाई। देवों के लिए विश्वकर्मा ने पुष्पक विमान बनाए। अस्त्र शस्त्र भी देवों के लिए विश्वकर्मा ही बनाए। इंद्रपुरी और वरुणपुरी रचे विश्वकर्मा भगवान। पांडवपुरी शिव मंडलपुरी यमपुरी का किया निर्माण। सारे देवता गण इनका सदा शुक्र मनाते हैं, हाँ हाँ शुक्र मनाते हैं। हम विश्वकर्मा भगवान के आओ कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सोने की नगरी का फिर तुमने किया निर्माण। शिव से बोले इसके अंदर रहिए तुम भगवान। ये सोने की नगरी शिव शंकर के मन को भाई। इसमें फिर शिव रहने लगे थे संग गोरा महामाई। परम भक्त रावण शंकर की भक्ति करता था। काट काट के अपने शीश वो शिव को चढ़ाता था। उसकी भक्ति से खुश हो गए शिव शंकर भगवान। रावण से बोले शिव कुछ भी मांग लो तुम वरदान। शिव से सोने की नगरी रावण ले जाते हैं, हाँ रावण ले जाते हैं। हम विश्वकर्मा भगवान के आओ कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। बैठ के श्री राम ने सरयू किया था पार। तुमने ही वो नैया बनाई, तुमने ही पतवार। प्रभु राम ने जिस धनुष से दुष्टों को मारा,
आपने ही निर्माण किया था धनुष बाण प्यारा। लक्ष्मण जी ने जिससे काटे सुपर्णखा की नाक, वो बरछी भी खुद ही बनाए विश्वकर्मा जी आप। चाहे शीश का मुकुट हो चाहे सिंहासन कोई, आपके द्वारा ही तो सबकी रचना प्रभु होई। काल दंड यमराज का भी प्रभु आप बनाते हैं, हाँ प्रभु आप बनाते हैं। हम विश्वकर्मा भगवान के आओ कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। ने मित्र सुदामा के जब चावल खाए, तीन मुट्ठी चावल के बदले तीनों लोक दिए। बात सुदामा नगरी की जब आई भक्तों बाप, सुदामा नगरी विश्वकर्मा ने बनाई अपने हाथ। देवलोक में जब भी आई थी निर्माण की बात, विश्वकर्मा की आती थी तब तब देवों को याद। विश्वकर्मा भगवान की भक्तों महिमा बड़ी ही न्यारी, सारी सृष्टि विश्वकर्मा की रचना की आभारी। हर युग में श्री विश्वकर्मा जी पूजे जाते हैं, हाँ हाँ पूजे जाते हैं। हम विश्वकर्मा भगवान के आओ कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। काज में आते वो सब यंत्र और औजार इस दिन है पूजे जाते। इनके पूजन से भक्तों व्यापार में वृद्धि होती, वृद्धि होती है व्यापार में, घर में खुशियां आती। उन्नति के रास्ते खुलते हैं, मिटता संताप। सच्चे मन से पूजा करे जो जोड़ के दोनों हाथ, उनको कोई कमी नहीं जो इनका पूजन करता। इनके पूजन से जीवन में आनंद हर पल मिलता। कैसे इनकी पूजा करे आओ बतलाते हैं, आओ ये बतलाते हैं। हम विश्वकर्मा भगवान के आओ कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन करिए स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर करिए इनका ध्यान। पूजा स्थल पर गंगा जल का करिए छिड़काओ, चौकी लगा कर उस पर पीला कपड़ा बिछवाओ। कलश के साथ में चौकी पर फिर इनकी मूर्ति रखिए, कुमकुम हल्दी अक्षत फूल से इनका पूजन करिए।
इसके बाद मशीनों दार पे बांधिए रक्षा सूत्र। सच्चे मन से उनके नाम का जपिए मन से मंत्र। भोग लगा कर विश्वकर्मा की आरती गाते हैं, हाँ सब आरती गाते हैं। हम विश्वकर्मा भगवान के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम सब शीश झुकाते हैं। जय विश्वकर्मा।